संभल में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर प्रेम और भाईचारे का दृश्य देखने को मिला, जहां एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की भावना के साथ मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल के पातालेश्वर मंदिर की ओर जा रहे कांवड़ियों का रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें फल और ठंडी पीने की सामग्री भी बांटी। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल में एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान का यह दृश्य देश में एकता और अखंडता के एहसास की सुखद अनुभूति कराता है। संभल के सरायतरीन पक्काबाग स्थित शिव मंदिर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद चांद अली और दानिश पाशा ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ शिव भक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने वाला यह आयोजन कांवड़ियों के लिए हर साल होता है, जिसमें शिव भक्तों के लिए जलपान के साथ फलों का वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि स्वागत कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसपी चक्रेश मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि सावन की शिव तेरस के मौके पर जो शिव भक्त जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर आ रहे हैं, वह उनका स्वागत करते हैं, जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व नगर अध्यक्ष गुलजार अंसारी, वसीम सैफी, खुर्शीदा बेगम, परवीन जहां, आविद तुर्की समेत तमाम मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया। संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के भी सभी भाई लोगों ने साथ में उनकी रास्ते में उनको फल वितरण और इसका कार्यक्रम रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाती है। संभल जनपद हर समय से इसके लिए जाना गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यही अपील रहेगी कि जितने भी हमारे वाहन धारक हैं वो अपनी स्पीड को कम रखें, इसको देखते हुए कि बहुत सारे कांवड़ियाँ जो हैं वो पैदल जाते हैं, अगर हल्की फुल्की भी कोई स्पीड बढ़ाता है उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ना सिर्फ जो पैदल कांवड़ यात्री हैं उनके साथ बल्कि जो हमारे वाहन चालक हैं उनके साथ भी। तो आज भी हमने सभी ARTO को भी और पुलिस प्रशासन द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी बसें चल रही हैं, ट्रक ट्रैक्टर चल रहे हैं, विशेष रूप से जितने भी कांवड़ रूट हैं उन पे उनकी जो गति सीमा है उसको अधिक कम से कम रखा जाए, 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक उसको ना रखा जाए, ताकि कोई भी दुर्घटना होने से हम इसको बचा सकें। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में सभी त्यौहार जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए गए, इसी प्रकार कांवड़ यात्रा और सावन का महीना ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना किसी घटना के ये आगे निकले।